जाम आज बनाएंगे इसका हलवा, कुछ नया ट्राई करेंगे। यह जाम जिसे बोलते हैं ग्रेवा, इसका आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है इसका, खाने वाले तो आपके दीवाने हो जाएंगे। इसे हम पहले कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसके हम मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं मिक्सी में डाल देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको पीस लिया हूँ। अब इसके बाद हम गैस चालू करेंगे। तो एक मिनट गैस चालू हो जाता है इसमें हम अब देखिए दोस्तों ये गर्म हो रहा है, इसमें हम डालेंगे घी। घी डालने में कंजूसी ना करें, देखिए घी घी डाल चुका है। अब इसमें डालेंगे हैं दो चार लौंग, लौंग के बाद हम इलायची को थोड़ा सा कूट लेते हैं। इसमें लौंग डाल इलायची डाल देते हैं। और ये इलायची देखिए लौंग और इलायची को थोड़ा सा भूनने देते हैं। और जब हमारा लौंग और इलायची भून जाए थोड़ा सा अपनी जाम को थोड़ा लेके उसमें डाल कर देखिए मैंने डाल दिया है इसको अच्छे से घी में भूनने देते हैं। ये कितना बेहतरीन दोस्तों, इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहे जिससे अच्छे से पके। देखिए घी में डालने के बाद बेहतरीन तरीके से, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जान ही है बात बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए तो थोड़ा सा स्लो आँच में भूनने देते हैं। अब इसमें हम काजू और बादाम मैंने पीसा था उसका पाउडर इस तरीके से डाल देते हैं। और फिर उसको मिलाते हैं इसमें काजू और बादाम भी अच्छे से मिल जाए। इसको पकते हुए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें अच्छे से शक्कर मिलाता हूँ। शक्कर इतनी मिलाए कि आपको मिठास मिले। और शक्कर को फिर अच्छे से इसमें मिला देते हैं। ये शक्कर अभी मुझसे गिलेगी इसमें करनाइज होगा। शक्कर पे घलती है तो बहुत ही अच्छे से देखिए अब ये शक्कर पे घल चुकी है तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। और ये देखिए उसको हम थोड़ी देर और भूंजेंगे। दोस्तों ये काफी हद तक पक चुका है, ऑलमोस्ट डन। अगर जान का हलवा तैयार है, बहुत ही बेहतरीन स्वाद आया है। ये देखिए दोस्तों जब कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सूजी का हलवा है, आटे का हलवा है या
जाम का कोई पता नहीं सकेगा जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको बता नहीं सकेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद तो एक नंबर आ रहा है दोस्तों। अब आप ट्राई कीजिए और फिर बताइएगा मुझे। थैंक यू।